18 दिसंबर 2022 एक 23 साल के लड़के ने पूरे अर्जेंटीना के टीम की हवा टाइट कर दी, जिसमें लेजेंडरी फुटबॉलर मेसी खेल रहे थे। उस दिन ये बंदा मैच तो नहीं जीत पाया, पर साला 18 दिसंबर को अर्जेंटीना के जीत से ज्यादा इस बंदे के हार के चर्चे थे। हमारे बॉलीवुड में कहावत है कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, और आज उसी बंदे की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जहां आप इस बंदे का अपने गेम के लिए पागलपन देखोगे। यस यू गॉट मी राइट, मैं बात कर रहा हूं उस बंदे की जिसने फुटबॉल की दुनिया पर हुकूमत शुरू कर दी है, काइलिन एम्बापे की। उस दिन गोल्डन बूट का अवार्ड लेते वक्त आपने इस बंदे का चेहरा देखा होगा, उस पर इतना बड़ा अवार्ड मिलने की खुशी नहीं थी बल्कि कुछ खोने का अफसोस था। और हर पागल हर जिद्दी बंदे की यही कहानी है कि साला कोई चीज चाहिए मतलब चाहिए। आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो मेसी एम्बापे लोग इनके फैन है? ना, इनके अंदर जो पागलपन भरा है, जो जिद भरी है, लोग उसके फैन है। जितना इंटरेस्टिंग इस बंदे का गेम है ना, जितना इंटरेस्टिंग ये खेलता है ना, उतनी इंटरेस्टिंग और टफ इस बंदे की स्टोरी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पहले इसकी मॉनेटरी अचीवमेंट सुनो। एफसी पेरिस सेंट जर्मन के साथ इस बंदे ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें उसको हर साल सिर्फ सैलरी के तौर पर 590 करोड़ रुपए मिलेंगे। साइनिंग बोनस इस बंदे को मिल रहा है 1500 करोड़ रुपए का। एंड थर्ड इज लॉयल्टी बोनस, जिसमें इसको फर्स्ट ईयर 575 करोड़ रुपए मिलेंगे, सेकंड ईयर 660 करोड़ रुपए मिलेंगे, और अगर तीसरे साल भी ये बंदा इसी टीम के साथ खेलता है तो इस बंदे को 740 करोड़ रुपए का खाली लॉयल्टी बोनस मिलेगा। मतलब इसके 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 5250 करोड़ रुपए। पर क्या आप यकीन करोगे कि ये वही बंदा है जो बचपन में खेलने के लिए जाता था तो अपने फादर के शूज पहन के जाता था, क्योंकि उसके पास तो खुद के शूज थे नहीं, और फादर के शूज ओवरसाइज होने की वजह से पैर से निकलते थे, तो ये बंदा उस शूज में सॉक्स डालकर वो गैप फील करता था ताकि शूज निकले ना। ऐसी हालात से लड़कर ये बंदा आज इस लेवल तक पहुंचा है। इनके फादर विल्फ्रेड एम्बापे फुटबॉल कोच थे और माँ एक हैंडबॉल प्लेयर थी। फिर भी उस बंदे के घर के हालात ये थे कि खाना खाने के लिए ब्रेड के अलावा कुछ नहीं होता था, कई बार तो 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था। क्योंकि दोस्तों स्पोर्ट्स में करियर बनाने की एक दूसरी साइड भी है। अगर आप फेमस हो जाते हो, आपका नाम बन जाता है, तब तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होती है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो बंदे की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि कमाई का कोई जरिया नहीं रहता। और यही कुछ हालात एम्बापे के पेरेंट्स की थी। ये सब देख कर भी इस बंदे ने फुटबॉल को ही अपना करियर चूज किया, क्योंकि इसको किस्मत से ज्यादा खुद पर यकीन था। और साला ऐसे ही लोग किस्मत की मां बहन करके उसको अपने कदमों में झुकाते हैं। मेरे हिसाब से कामयाबी वो है जब आपके आइडल्स आपके राइवल्स बन जाते हैं, और एम्बापे के केस में वो आइडल क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ये बंदा रोनाल्डो के लिए इतना पागल था कि बचपन में इसके पूरे कमरे में रोनाल्डो के ही फोटो थे, और उन फोटोज के साथ ये बंदा लिटरली अकेला ही बात करता रहता था। इवन इसने अपने मां से वादा तक किया था कि बड़ा होकर ये अपने आइडल क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जरूर मिलेगा। और आगे चलकर जब इस बंदे को रियल मैड्रिड के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिला, तब पहली बार ये बंदा रोनाल्डो से मिला और साथ में प्रैक्टिस भी की। सचिन तेंदुलकर की तरह सिर्फ 16 साल की उम्र में इस बंदे ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की, और 17 साल की उम्र में अपने करियर का पहला गोल दाग कर पहला यंगेस्ट गोल स्कोरर भी बन गया। साल 2018 में अकेले के दम पर इस बंदे ने फ्रांस को फीफा वर्ल्ड कप जिताकर दुनिया भर में तहलका मचा दिया था, और 2022 में ये बंदा फ्रांस को ना सिर्फ फाइनल तक लेके गया बल्कि मेसी जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स के होते हुए भी अर्जेंटीना के पसीने छुड़ा दिए। एक शॉकिंग बात बताऊं, 36 के एज तक किसी भी वर्ल्ड कप में रोनाल्डो मैक्स टू मैक्स 7 गोल कर पाए हैं, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ 23 साल की एज में रिसेंट वर्ल्ड कप में 9 गोल दाग कर अपने ही आइडल रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया है। इस बात से पता चलता है कि आगे चलकर इस बंदे की क्या लेवल की क्रेज होने वाली है। 23 साल की उम्र में इसने आज तक सिर्फ 2 वर्ल्ड कप ही खेले, जिसमें उसने 12 गोल्स दाग कर रोनाल्डो और मेसी जैसे लेजेंड्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ये बंदा जब 14 साल का था, उस वक्त का एक किस्सा बहुत फेमस है जो लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। चेल्सी ने एम्बापे को फुटबॉल ट्रायल के लिए लंदन बुलाया था, उस वक्त ये बंदा 14 साल का था। अब इस इन्विटेशन पर ये बंदा अपनी माँ के साथ लंदन पहुंच गया, और वहां पर अपनी अमेजिंग फुटबॉल स्किल से चेल्सी के मेंबर्स को चौंका दिया। लेकिन फिर भी चेल्सी उस एक ट्रायल पर श्योर नहीं थी कि उसे अपने टीम में खेलने का मौका दिया जाए या नहीं। So, चेल्सी ने उस बंदे को सेकंड ट्रायल के लिए इनवाइट किया, बट सरप्राइजिंगली एम्बापे की मां ने चेल्सी को डायरेक्टली ना बोल दिया, ये कहते हुए कि मेरा बेटा फिर से ट्रायल के लिए नहीं आएगा, अगर आपको उसे अपने टीम में लेना है तो अभी लो, वरना अगले 5 सालों में फिर से मेरे बेटे को अपने टीम में लेने के लिए आपको 50 मिलियन यूरो देने पड़ेंगे। एम्बापे की मां की बात ये सुनकर चेल्सी ने एम्बापे को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया, ये सोचकर कि ये 14 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा। लेकिन बॉस कुछ ही सालों बाद पीएसजी ने इसके मां ने कही हुई अमाउंट से 4 गुना ज्यादा पैसा देकर एम्बापे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। इस बंदे की स्टोरी से मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुश्किलें 1000 आए, फिर भी दुनिया झुकती है, बस बंदा झुकाने वाला चाहिए।